बेटा क्यों चिल्ल रही है? मैं क्यों चिल्ल रही है बेटा? ये बंदर की आवाज कौन निकाल रहा है? अरे वो देखो। आप तो मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो? अरे बंदर जैसा हुलिया बनाया है तो हंसेंगे नहीं तो क्या रोएंगे? बंदर जैसा? हाँ हाँ ये देख। अरे ये क्या हो गया मुझे? मैं बंदर जैसा क्यों दिख रहा हूँ? क्या हो गया? आना बस बहुत हो गया तेरा नाटक। ठीक है मैं अब तुझे नहीं पीटती, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन अब जल्दी से ये विक निकाल दे और वापस मानव बन जा। अरे बाबू मैंने कोई विक नहीं पहनी है सच्ची। ठीक है अभी तेरी विक खींच के निकालूंगी और तेरे हाथ में पकड़ाऊंगी ना, तब तुझे पता चलेगा। अच्छा बच्चू महाचिप को गम लगा है? कोई बात नहीं अभी तुझे बताती हूँ। सलोनी सचिन एक साथ विक खींच कर निकालते हैं। चलो माँ बाबूजी देखा। मानव ने बंदर का हुलिया लिया है तो हूबहू बंदर जैसी हरकतें कर रहा है। कितना बढ़िया एक्टर है ना माँ। तो गोता किसका है? चलो बंदर के पीछे ना पकड़ पकड़ी खेलते। चलो 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 मानव कहाँ गया? मानव तू इतनी जल्दी इतनी ऊपर कैसे चढ़ गया? अरे मैं इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गया? मानव बेटा देख बेटा नीचे आ जा वहाँ चोट लग जाएगी। बेटा तू नीचे आ जा हम लोग बैठ के बंदर बंदर खेलते हैं। बेटा तू आ जा। मम्मी पापा मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं ये सब अपने आप हो रहा है मेरे साथ। वाह अरे गया थक मैं खा खा के हिमक्रीम। अरे खाई नहीं मैंने जितनी हिमक्रीम मेरे जीवन में, खा चुका हूं मैं उतनी हिमक्रीम इस जादुई हिमक्रीम के आने के बाद। अब खाऊंगा इसे और तो फट जाएगा मेरा पेट। डुबा डुबा भाइयों अब तुम खाओ ये लो। आराम से डुबा डुबा भाइयों मिलेगी सबको हिमक्रीम। रुको डुबा डुबा भाइयों है करते हम एक काम है, रख देते हम इस डिब्बे को इस पहाड़ के चोटी पे। हाँ फिर इस हिमक्रीम के डिब्बे से बहेगी हिमक्रीम और बन जाएगा यहाँ पर हिमक्रीम का झरना। फिर खाएंगे हिमक्रीम दिन रात, नहाएंगे हिमक्रीम से, सोएंगे हम हिमक्रीम के तालाब पे चद्दर बिछा के, हर तरफ हिमक्रीम। वाह आएगा मजा। हिमक्रीम 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 हिमक्रीम। ए मानो बेटा मजा बहुत हो गया बेटा, अब बंदर छोड़ के मानव बन के जा। हाँ बेटा तू तो मेरा राजा बेटा है ना, माँ की बात नहीं मानेगा। आ! 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 आ!
खास मानव, किसी भी बात कोई हद होती है। अभी के अभी जा और बंदर से मानव बन के जा। पापा, आप तो मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब मेरे साथ अपने आप हो रहा है। ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ पापा। किसने पकड़ा है मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे। ऐसे नहीं समझे सचिन सलोनी मेहर। हाँ? बेटा इस नकली बंदर के बाल, कान और पूंछ नोच नोच के निकाल दो। ओके। अभी मानव निकालो। सचमुच में बंदर तो नहीं बन गया? माँ आप टेंशन मत लो, मैं अभी मानव को वापस लेकर आती हूँ। वो रहा, वही संभाल के बेटा। बेटा बेटा तू ध्यान रखना। डुबा डुबा सबर, पहले मन को नहीं संभाल पाया और अब खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। बस बस अरे अरे बस बस अब और नहीं खा सकते हम हिमक्रीम को। हिमक्रीम ने फुला दिया पेट हमारा गुब्बारा की तरह, अगर थोड़ा सा हिमक्रीम और खाएंगे तो फट जाएगा ये गुब्बारा। बंद करो, बंद करो इस हिमक्रीम के झरने को, इसे देख देख के हो रही है घबराहट। हाँ, बंद करो ये झरना। शांत करो भाइयों, शांत। वो करता अभी मैं इस बंद हिम क्रीम के झरने को। पर करूं कैसे बंद? है नहीं मेरे पास कोई उपाय इस झरने को बंद करने का। डुबा डुबा ये सब क्या है? कहाँ से आया? अरे आप क्षमा कीजिए, नहीं उठ सकता। क्षमा करें डरी परी, क्षमा करें। कोई बात नहीं, पर ये सब हुआ कैसे? अरे गई भूला है, आज शुक्रवार और आज ही के दिन किया था वादा परियों ने हम सबको कि मिलेगी हम सबको हिमक्रीम। क्षमा परी, और लो देखो किसी भली और अच्छी परी ने दे दिया मुझे वो कभी ना खत्म होने वाला हिमक्रीम का डब्बा, जो मैंने है रख दिया उस पहाड़ की चोटी पे। और उसी हिमक्रीम के डिब्बे से हिमक्रीम बह बह के बन गया है ये कभी ना खत्म होने वाला हिमक्रीम का झरना। नहीं नहीं डुबा डुबा, एक ऐसा नहीं हो सकता, किसी परी ने तुम्हें हिमक्रीम का डब्बा नहीं दिया है, क्योंकि सभी परियां तो कल्प्रिट को ढूंढने में व्यस्त थी। अच्छा नहीं दिया? नहीं। तो फिर आया कहाँ से हिमक्रीम का डिब्बा? हमें भी नहीं पता, चलिए
परियों से ही पूछते। चलिए। अरे डू, अरे अरे, कोई बात नहीं, आप यही रुकिए। लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। हम ही सभी परियों को यहाँ बुला के लाते। शुक्रिया डरी परी, शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये केले मैं यहाँ अकेले खाऊंगा। ठीक है बॉस, आप अकेले खाओ और हम कोई दूर जाकर ये केले खाते हैं। हाँ, चल। अरे अबे किसी ने इन केलों को यहाँ हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। बॉस कॉमन सेंस से लगाओ, हाथ तोड़ के आप हाथ कैसे किसके हाथ में दोगे? हाँ, तेरा हाथ तोड़ के रोहित के हाथ में दूंगा और रोहित का हाथ तोड़ के तेरे हाथ में दूंगा। ये गेंडा आज भड़का हुआ लग रहा है। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बॉस, कुछ नहीं, आप खाओ खाओ, आप खाओ। पर बॉस एक बात याद रखना। याद रख, आपको आपको हाय लगेगी, हम भूखों की लगेगी। हाँ बॉस, आप आपको पेट दर्द होगा। होगा पेट मेरा, इससे तुमको क्या? अगर तुम्हें इतनी भूख लग रही है ना, तो जाओ जाकर कहीं घास खाओ। तेरी तो क्या हुआ? चोर के घर चोरी, मतलब बॉस के घर चोरी। घर तुम्हारी तो बॉस क्या? कुछ नहीं बस, बस आप बैठ के खाओ। चुप करो। हे, यहाँ पे चार केले थे, तीन केले कैसे हुए? हाँ पता नहीं बोल, नहीं बोल। केला रह गया मामे। हंसते क्या? बालवीर जी को बुला। बालवीर, बालवीर, बालवीर। दूरे केवल तुम तीनों इतने घबराए हुए क्यों? बालवीर जी, यहाँ पे ना एक अजीब दिखने वाला बंदर है जो हम अच्छे बच्चों को तंग कर रहा है। अच्छे बच्चे, बच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे। बंदर वो? हाँ, वो वहाँ झाड़ी में गया। हाँ। अजीब सा दिखने वाला, लगता है ये महाभस्म परी की कोई चाल है। इस बंदर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मैं उस बंदर को ऐसा झटका दूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। बालवीर, मैं मानव हूँ, मुझ पर वार मत करो। दुष्ट बंदर, बहुत सता लिया तुमने बच्चों को, अब देखना मैं कैसे तुम्हें मजा चखाता। बच्चों, तुम सब यहीं रहना, मैं अभी उस दुष्ट बंदर को उसकी गलती की सजा देकर आता हूँ। हाँ। परियों, क्या आप में से किसी ने डूबा डूबा एक को कभी ना खत्म होने वाला हिम क्रीम का डिब्बा दिया था? नहीं रानी परी। रानी परी, हम सब परियां तो कल फ्रिज को ढूंढने में व्यस्त। बड़ी हैरानी की बात है, अगर आप में से किसी ने भी डूबा डूबा एक को जादुई हिम क्रीम का डिब्बा नहीं दिया तो आखिर ये डिब्बा आया कहाँ से? दुष्ट बंदर, तुम वहीं रुको, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देता। हे विजदार परी, शक्ति देखरी। रुक जा बालवीर। बालवीर, वो कोई बंदर नहीं है, वो मानव है।
मानव है। पता नहीं मानव को क्या हो गया, वो अचानक से बंदर बनने लग गया है। पहले तो हमें लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा है, वो सचमुच में एक बंदर बन गया है। मानव मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम मानव। परियों आप सब चिंता मत कीजिए, हम अभी इस हिम क्रीम के डिब्बे के जादू को समाप्त कर देते हैं। जी रानी। अच्छा हुआ कि मेहर सही समय पर आ गई, वरना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मेहर तुम चिंता मत करो, मैं अभी मानव को ठीक करता हूँ। हे नटखटपन, कर कुछ जादू ऐसा मानव हो जाए पहले जैसा। कैसे हो सकता, हमारा जादू इस हिम क्रीम के डब्बे पर क्यों नहीं चल पा रहा? परियों, ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जब यह हिम क्रीम का डब्बा कल्पवृक्ष से किसी ने मांगा हो। क्या कल्पवृक्ष से? क्योंकि कल्पवृक्ष द्वारा पूरी की गई इच्छा को हमारा जादू भी नहीं बदल सकता। पर रानी परी, ऐसा कौन कर सकता है? काश होती मेरे पास ऐसी हिम क्रीम जो कभी ना खत्म हो, जो कभी ना खत्म हो। हाँ रानी परी, हाँ हाँ, एक ऐसा ही अजीब सा दिखने वाला वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर की थी मैंने इच्छा कभी ना खत्म होने हिम क्रीम के डिब्बे की। डुबा डुबा एक, आपने वो वृक्ष देखा था? कहाँ था वो वृक्ष? पृथ्वीलोक पर। पृथ्वीलोक पर? पृथ्वीलोक पर कहाँ डुबा डुबा एक? मानव मेहर के घर के पास। क्षमा कीजिए रानी परी, दरअसल गया था मैं पृथ्वीलोक पर हिमक्रीम खाने बिना किसी को बताए, और जब नहीं मिली मुझे मानव मेहर के घर में हिमक्रीम तो हो गया मैं उदास और गया फिर मैं बाहर। विराम और... डुबा डुबाई, हम इस बारे में आपसे बाद में बात करें। परियों आप तुरंत पृथ्वी लोक जाइए और कल्प वृक्ष को लेकर परी मैदान में पहुंचे। जो आ गया रानी परी। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे रानी परी से मिलना ही पड़ेगा। मानव मेहर तुम चिंता मत करो, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढकर जल्दी ही लौटूंगा। बालवीर जो करना जल्दी करो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मान चिंता मत कर, मैं जल्दी ही लौटूं। मानव तू डर मत, बालवीर जो कहता है वो जरूर कर, और देख कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर लेकर आएगा।